मित्रों, जैसा मेरा परिचय कराते हुए कहा गया कि मैं छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आता हूं। एंड व्हेन आई वाज सिटिंग हियर एंड आई वाज वाचिंग द यूनिवर्सिटी द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन आई हैड एंटर्ड सिंस आई हैड एंटर्ड फ्रॉम द मेन गेट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कैंपस आई वाज ड्रिवन विद द मिक्स टाइप ऑफ इमोशंस। दो मिक्स मिश्रित भाव से मैं गुजर रहा था। एक तरह मुझे पुराने विश्वविद्यालय के दिन याद आ रहे थे। When I was introduced with the Honorable Vice Chancellor of the University, मुझे अपनी छात्र राजनीति के राहुल भाई दिन याद आ रहे थे। हमारे लिए being a student leader और president of the student union, हमारे लिए सफलता के जो सोपान होते थे उसमें वाइस चांसलर से कितना झगड़ा कर सकते। अपने उस एक डेढ़ साल के कालखंड में कितने वाइस चांसलर को रेजिग्नेशन करा करके और वाइस चांसलर बदल सकते हैं, वो हमारे सफलता के जो है वो आयाम हुआ करते। मैं याद कर रहा था अपने पुराने विश्वविद्यालय के दिन, जब मुझे छात्र के नाते भी ऐसे समारोहों में भाग लेने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। देश भर में आयोजित होने वाली विभिन्न युवाओं के कार्यक्रमों में भी जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, सरकारी विश्वविद्यालय में, वहां इस तरह के कन्वोकेशन होने की परंपरा तो नहीं थी, लेकिन छात्रों के कार्यक्रम में लंबे लंबे भाषण कितने उभव होते वो भी मुझे याद है। लेकिन इस सब के साथ साथ में मैं इस रमणीक परिसर और इस महत्वपूर्ण आयोजन जहां एक साथ लगभग, जैसा मुझे बताया गया, 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी आज ज्ञान की ज्योति से आभूषित होकर के अपने जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उस यात्रा में जो कुछ मैंने अपने अनुभव से इतने वर्षों में उस स्थान जिसकी मैंने चर्चा आप सबके सामने की, वहां से प्रारंभ होकर के इस मुकाम तक पहुंचने में जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, सौभाग्य से आपके साथ में उनमें से कुछ चीजें साझा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं एक बार फिर यहां पधारे सभी विद्वजनों का, यहां पधारे सभी शिक्षकों का, क्योंकि अभी दो ही दिन पूर्व हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया है, मैं उन सारे शिक्षकों के प्रति सम्मान और उनके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए छात्रों, अभिभावकों और सभी माननीय अतिथियों को सादर नमन करता हूं, उनकी सारस्वत उपस्थिति को नमन करना चाहता हूं।